हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। ये वो एग्जामिनेशन है जिसकी तैयारी सभी मास्टर्स के साथ या मास्टर्स के बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। सीएसआईआर नेट एक लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, इन सब चीजों के लिए, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस पैटर्न होता है और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, किस स्ट्रेटजी के थ्रू हम जाएंगे कि हमारा एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं पैटर्न की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को समझने से पहले कि उसका पैटर्न क्या है, ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह ये एग्जाम है, ये कंडक्ट होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ये सब चीजें हम समझेंगे। जनरली ये जो एग्जाम होता है, इसका जो पेपर होता है, ये तीन पार्ट में होता है, ए बी सी। जैसे कि आपको पता है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टेस्ट होता है। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था बट आजकल ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक होते हैं, कुछ बच्चे उनकी तैयारी करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते, तो बहुत ही मिनिमल वैल्यू होती है ए पार्ट की, बट डिसाइडिंग भी हो सकती है, ठीक है। जो बी पार्ट होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल बोले तो वो क्वेश्चंस जो बेसिक होते हैं, जिनके अंदर कोई साइंटिस्ट का नाम, कोई फैक्ट, कोई ऐसी चीज पूछ ली जाती है जो कि एग्जैक्ट है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको आता है तो वो होता है, नहीं तो नहीं होता है, इस टाइप के वो क्वेश्चंस बी पार्ट में पूछते हैं। सी पार्ट होता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट, सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाला पार्ट, ये पार्ट होता है सी। दो टाइप के बच्चे होते हैं, रटाफिकेटरी और जो समझते हैं कॉन्सेप्ट को, दो टाइप के। कुछ बच्चे दोनों टाइप के होते हैं, उनके लिए बेस्ट है बी और सी। जो रटाफिकेशन करते हैं उनके लिए बी पार्ट बेस्ट होता है और जो समझते हैं उनके लिए सी पार्ट। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना तो फिर भी होता रहता है। तो सी पार्ट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं भी अप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलता है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी पार्ट में। इसमें एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, दो यूनिट्स का आपस में इंटरकनेक्शन बना के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कि किस तरह मार्क्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो ए पार्ट है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन होते हैं 20। इन 20 क्वेश्चंस में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आप 15 जरूरी नहीं है कंप्लीट अटेम्प्ट करें, कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जितने आए उतने ही कीजिएगा। 5 आ रहे तो 5 कीजिएगा, 10 आ रहे तो 10 और 15 आ रहे तो 15 कीजिएगा। जरूरी नहीं है आपको 15 अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप 15 के 15 कर दो, ठीक है, चाहे आपको आए नहीं। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जिसके लिए आप श्योर होते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आता है और हमें ये करना है, वरना वो क्वेश्चन आपको नंबर देने के बजाय आपके जो सही क्वेश्चन है उनमें से नंबर लेके जरूर चला जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बी पार्ट में होते हैं 50 क्वेश्चन टोटल, इसमें से आपको 35 क्वेश्चन पिक करने होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम आप कितने भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के होते हैं, इनमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब 0.25 आपके 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग होती है। थर्ड होता है सी पार्ट में होते हैं 75 क्वेश्चन, इसमें ह्यूज क्वांटिटी है क्वेश्चंस की। आप 75 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन पिक करने हैं, बहुत ही इजी चीज है ये, ठीक है, लेकिन आपको फटाफट रीड करना होगा क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं होता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर देता है, तो सबसे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। तो टोटल आपके मार्क्स आएंगे 200 में से, ठीक है, 200 में से 15 × 2 कितना होगा 30, बी पार्ट में हो गए आपके 35 × 2 70,
वो हो गए पूरे 100 और ये 25 × 400, तो 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जनरली। आपके प्राइमरी गोल्स क्या होने चाहिए, आपने समझ लिया क्या पैटर्न है, कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, आपने सब कंप्लीट कर लिया। अब आपको तैयारी करने में जुटना है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त? ये जितना भी मैंने लिखा है खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा है, बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं सबको अलग अलग से आंसर नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ध्यान से सुन लीजिए, जितनी भी चीजें आपने पूछी है मुझसे अब तक, सबके आंसर इस स्लाइड में है। सबसे पहले आपको करना है सिलेबस को डाउनलोड। डाउनलोड कर लिया सिलेबस, आराम से पूरे सिलेबस को निहारिए। अब इस सिलेबस में अपना एक पेंसिल या पेन उठाइए, टिक मार्क करिए कि आपने कौन कौन से यूनिट्स का नाम सुना है, सॉरी कौन कौन सी यूनिट को आपने पहली बार देखा है, ये दोनों देखिए। ठीक है, अब या तो आप प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट करवाइए स्टडी मटेरियल को, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, या फिर खरीदना है तो खरीदिए। PYQ जरूर से खरीदिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको खरीदने ही पड़ेंगे, वरना कोई चारा नहीं है आपके पास एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। अब आपको करना है उस पार्ट पर फोकस जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब कि कुछ उसमें यूनिट्स आपको दिखाई देंगी जो आप पहले से जानते हो कि हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने इस क्लास में पढ़ा है, इस क्लास में पढ़ा है, सब आपको पता होगा। उन उनको उठा लीजिए, छांट लीजिए, उनको पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस कीजिए पेपर के थ्रू, या यूनिट वाइज क्वेश्चन MCQ आते हैं ऑनलाइन, आपको बहुत मिल जाएंगे। एक तो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिलता है, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ये सबके आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं। इवन आप लोग इधर उधर जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो 1000 लोगों को पूछने में, ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ है। तो ऑनलाइन जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ा है सबकी आपको क्या करनी है, अभी प्रैक्टिस करनी है कि आपने जो पढ़ा है वो ढंग से तो पढ़ा है, इस तरह पढ़ना चाहिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्लाई होता है, ये आपको करना पड़ेगा हर दिन। एक दिन भी आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने कम से कम 25-30 क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो। लिख लो इस चीज को कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अभी शुरू शुरू में, बाद में आपको बढ़ाना है 50 तक, बाद में आपको 70 तक। ठीक है, इस तरह आपका हो जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो नए हैं आपके लिए, मजे आएंगे आपको पढ़ने में, बहुत ज्यादा बता रही हूँ। नए नए कॉन्सेप्ट आप जानोगे कि अरे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। उसके बाद में आप वापस क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं उसके बाद में उसे अप्लाई भी तो करोगे ना भाई कहीं पे, वरना तो भूल जाओगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या पढ़ा था, कैसे काम आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। वहां आपको कोई थ्योरी तो लिखनी नहीं है कि इसका व्याख्या कीजिए, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपको पूरी व्याख्या पढ़नी है, उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तब जाके नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है अपनी कि किस तरह से आपने परफॉर्म किया है। पहले आपकी गंदी गंदी परफॉर्मेंस रहेगी, 0 नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप परफॉर्मेंस अपनी देखो और कहाँ कमी लग रही है, क्या आपको ज्यादा पढ़ाना है, रिवाइज ज्यादा करना है, कि रीड ज्यादा करना है, कि प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आपको खुद को पल्ले पड़ जाएगी कुछ टाइम बाद में, आप मेरी तरह ज्ञान दोगे लोगों को। ठीक है, आपको स्टिकी नोट्स और नोट्स जरूर बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा, पूरी बुक पढ़ डाली, पूरी बुक थोड़ा ना लिखोगे बैठ के दूसरी नोट्स में, आप वो चीजें लिखोगे, कुछ मेमोरी बनाओगे कि इनको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक बनाओगे, ये सब करोगे। ठीक है, तब जाके आपको कुछ चीजें रिमेम्बर रहेगी, कुछ चीजें रटाफिकेटरी होती है। ठीक है, स्टिकी नोट्स बनाओगे, अपने रूम में चिपका डालो। ठीक है, आपका रूम लगना चाहिए कि आप पढ़ने वाला बच्चा रहता है यहाँ पे। और एक चीज पक्का करना, आप एक व्हाइट पेपर लेना, उस पर लिखना CSI या NET, आपको कौन सी रैंक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक, AIR/, जो रैंक चाहिए ना उससे भी अच्छी रैंक उसमें लिख लेना और चिपका लेना बड़ा सा, ताकि दिखता रहे आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीकनेस पे
को छोड़ दोगे या स्ट्रेंथ को पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको दोनों पे काम करना। आपके वीकनेस है तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ के नॉर्मल बना लोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ भी बना सकते हो, और स्ट्रेंथ है ना उसको तो छोड़ना ही नहीं है, वरना क्या होगा, एक बार आप सोचोगे कि मुझे ये तो आता है, इसको तो छोड़ो, कुछ और पढ़ लेता हूँ, फिर क्या होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ को भी खो दोगे एक टाइम के बाद में, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए और वीकनेस पे इतना फोकस कर दिया कि वो तो नॉर्मल बन गई या फिर वो वीकनेस ही रह गई। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको करना है वीकनेस को नॉर्मल बनाना है, वीकनेस को इतना बनाना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, उसको इतना पढ़ लो या ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो, वीकनेस को नॉर्मल कर लो, और स्ट्रेंथ को छोड़ना भी मत, रिवाइज करते 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 उसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाते रहो, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए आपको, ऐसे नहीं आप क्वेश्चन में फंसे ही रह जाओ। आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना है कि ये जैसे चार ऑप्शन होते हैं, फिर आप उनमें से टिक करोगे कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, या ये तो इसमें होता है, ऐसा करके, ठीक है। कुछ वहां पे टिक मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है, उनके थ्रू भी एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो ऑप्शन में बाकी भी ढंग से देख लेना, दिमाग खुला करके क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ट्रिक नई नई जनरेट हो जाएगी और एग्जाम टाइम तक आप प्रो बन जाओगे, ठीक है। ये पूरा जो स्लाइड है ना ध्यान से पढ़ लेना, इस पे काम कर लेना, अगर सीरियसली एग्जाम क्लियर करना है तो, वरना मजे करना, ठीक है। ये बुक्स है, चार बुक्स है, इनको अगर अच्छे से पढ़ लोगे कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है। इन बुक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ चाहिए 3 महीने, अब देख लो आप कितने दिन में कर सकते हो, ठीक है। पाथफाइंडर फर्स्ट प्रणव कुमार की है दोनों बुक्स, ये पढ़ डालो। कृष्टि वाग्रेशी की जनरल एप्टीट्यूड की बुक है, ये नीचे वाले मैंने हटाए नहीं, सॉरी चीफ ऑफ, यस कुछ नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू और जनरल एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना, ठीक है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू छोड़ना ही मत, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कर डालो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कभी देखा ना हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, दोबारा ध्यान रख लो क्या प्लान है आपका। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम, जो आप कर चुके हो और करना पड़ेगा, नहीं हुआ है तो विद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, कितने टाइम का एग्जाम है और आपको कितने टाइम में करना है, ठीक है। रीड करना है, कवर ऑल द सिलेबस फर्स्ट एंड गेट नो व्हाट आर द यूनिट्स यू वांट टू पिक एंड लीव, कौन कौन से आपको छोड़नी, जरूरी नहीं है 13 यूनिट है, 13 की 13 पढ़ो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 13 यूनिट पढ़नी है, सही लगे पढ़ो, नहीं लगे मत पढ़ो। टाइम अगर है तो सब कुछ पढ़ डालो, ठीक है, लेकिन टाइम कम है तो 8-9 यूनिट से आपका काम चल जाएगा। अब आप कुछ बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, हर यूनिट का सेम रहता है, ठीक है, सेम उसके अंदर होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हर साल चेंज होती है ये चीजें, मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकती कि इस साल ये यूनिट अच्छी आएगी, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। उसमें क्वेश्चन आपको हर टाइप के मिलेंगे, आपको चूज करना है ना, चूज करने का ऑप्शन है उसमें कि 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, 70 में से इतने क्वेश्चन करने हैं, आपको सब ये करना है, चूज करना है, तो आप सब वो ही पढ़ोगे जो आपको सही लगे। अगर बहुत सारा टाइम है तो सब कुछ पढ़ लो, कम टाइम है तो कम को चूज कर लो, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया, कुछ छोड़ना है वो छोड़ दिया, अब रिवाइज करो। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पढ़ कोई भी सकता है, रिवाइज करना पड़ेगा उसको आपको बार 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 बार, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे वो उतनी आपके दिमाग में छपती रहेगी और एग्जाम टाइम में चमकेगी कि वाह ये क्वेश्चन आ गया, मजे आ गए, पेज दिखने लगेगा एग्जाम में जहां पर आपने लिख रखे है नोट्स अपने, ठीक है, दीवार दिखने लगेगी वो आपको। अब आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस करो, जितनी भी यूनिट आपने पिक की है, ठीक है, रिवाइज करो, एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस, इसमें कुछ पता नहीं क्या लिखा गया है, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो कि आपको रिवाइज करनी है, रीड करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये पूरी चीज आपको रिपीट करनी है टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम ना हो जाए, रीड रिवाइज प्रैक्टिस रिपीट, ठीक है, ये चीजें करती रहनी है आपको। थैंक यू सो मच, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे मेल कर सकते हैं आप, थैंक यू सो मच, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, लाइक एंड कॉमेंट।